हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीवी कॉन्सेप्ट। दोस्तों आज के ब्रीफ में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज फॉर सिविल इंजीनियर। दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैं रेगुलरली जो है गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में वीडियो बनाता रहता हूँ, एंड स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियर जो भी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी निकलती है उसके बारे में जरूर वीडियो बना के मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बनाता रहता हूँ, एंड स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियर जो भी दोस्तों गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी निकलती है उसके बारे में जरूर वीडियो बना के मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में ही एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों पीजीसीएल रिक्वायरमेंट 2022 फॉर द 75 फील्ड इंजीनियर फील्ड सुपरवाइजर जॉब। ठीक है, तो पीजीसीएल का नाम आपने सुना ही होगा दोस्तों, इंडिया की लार्जेस्ट पावर जनरेशन कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, राइट। इसके अंदर दोस्तों 75 फील्ड इंजीनियर एंड फील्ड सुपरवाइजर की जॉब रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकली हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, पे स्किल, एप्लीकेशन फी और अप्लाई कैसे करना है, सारी डिटेल दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये है पीजीसीएल रिक्वायरमेंट 2022 75 फील्ड इंजीनियर फील्ड सुपरवाइजर जॉब नोटिफिकेशन। दोस्तों आपको पता ही होगा कि पीजीसीएल मतलब पावर जो कॉरपोरेशन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, इंडिया की मतलब बहुत ही दोस्तों बड़ी और एक रेप्यूटेड दोस्तों एक पावर जनरेशन कंपनी है। इसके अंदर दोस्तों रिक्वायरमेंट निकली है। अब ये जो है इसके अंदर अलग अलग वैकेंसी और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फील्ड इंजीनियर जो है इलेक्ट्रिकल उसकी 25 नंबर्स ऑफ वैकेंसीज है। इसके लिए बी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग बी पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक डिसिप्लिन यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद फील्ड इंजीनियर सिविल जो है उसकी 10 वैकेंसी है, उसमें भी दोस्तों बी बीटेक बीएससी इन सिविल डिसिप्लिन आपको आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिक की 30 वैकेंसीज है, इसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मांगा गया है। और अगर दोस्तों आपका कोई फ्रेंड है इलेक्ट्रिक इंजीनियर के लिए उसके लिए जरूर इन्फॉर्म करिए। फील्ड सुपरवाइजर दोस्तों सिविल जो है उसमें 10 वैकेंसी है जिसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 29 ईयर्स ऑन 1 जून 2022। 1 जून तक दोस्तों आपकी एज 29 ईयर्स के अंदर होनी चाहिए तभी दोस्तों आप इसके अंदर सिलेक्ट हो पाओगे। सिलेक्शन प्रोसेस होगी, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा, राइट। से एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा एमसीक्यू टाइप, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बेस पे सिलेक्शन होगा। पे स्केल की बात करें यहाँ पे दोस्तों मिनिमम आपको 23,000 और मैक्सिमम आपको 1,20,000 तक का पेमेंट यहाँ पे मिलने वाला है, और जो भी दोस्तों अलाउंस है गवर्नमेंट की तरफ से वो भी आपको इसके अंदर मिलने वाले है। एप्लीकेशन फी दोस्तों फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल की 400 रुपये है, फील्ड सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल सिविल की 300 रुपीज़ है। इसमें अप्लाई कैसे करना है कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीजीसीएल की जो मैं बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है वो भी दोस्तों मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वहाँ पर जाके आपको अप्लाई करना होता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो लास्ट डेट टू अप्लाई दोस्तों 1 जून है, मतलब 1 जून को ये जो पोर्टल है बंद हो जाएगा एप्लीकेशन लेने के लिए, तो 1 जून से पहले आपको अप्लाई करना है। अब दोस्तों हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दोस्तों क्या बताया गया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आ जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी हम वन बाय वन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हैं जो भी मैंने बताया कि रिजर्व अलग अलग वैकेंसीज है उसके बारे में, और अंडर रिजर्व ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए क्या क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे और डिटेल में दोस्तों क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं, राइट। और डिटेल में मतलब क्या चाहिए, एक्सपीरियंस क्या चाहिए, राइट। सिविल डिसिप्लिन है तो उसमें एक्सपीरियंस है पीओसी लिस्टेड कंपनी पर्टिकुलर इन पावर सेक्टर में अगर एक्सपीरियंस तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, कंपलसरी यहाँ पे नहीं बताया गया है। कंपनसेशन और जो मिलने वाला है कॉन्ट्रैक्ट बेस विल बी पेड मंथली रेम्यूनरेशन पे बैंड ऑफ 30,000 प्लस 3% एवरी ईयर आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, राइट। हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा, तो ये करीबन आपका 1,20,000 तक दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है, प्लस 30,000 ऑफ इंडस्ट्रियल डीए एचआरए पर एट 35% ऑफ बेसिक पे स्केल दोस्तों आपको मिलने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे होने वाला है। और दूसरे बेनिफिट भी आप पढ़ सकते हैं, गवर्नमेंट है मतलब बहुत अच्छे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये है रिजर्वेशन क्राइटेरिया, वो भी आप पढ़ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें
इसके अंदर दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व ओनली एलिजिबल इंटरव्यू ओनली, मतलब इलेक्ट इंटरव्यू होगा एलिजिबल एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का, बट अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते जाते हैं तो वो वहाँ पे एक रिटर्न टेस्ट भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्क्रीन टेस्ट अगर होगा तो स्क्रीन टेस्ट 1 घंटे का होगा, 75 मार्क्स का होगा, राइट। पार्ट वन 50 क्वेश्चंस ऑन जो डिसिप्लिन है उसका, पार्ट टू में क्वेश्चन ऑन एप्टीट्यूड रहेगा, राइट। वो भी मैं बता देता हूँ कि कैसा होने वाला है, और इसके बेस पे दोस्तों मेरिट तैयार होगा, और उसके बाद जो मेरिट है उसके हिसाब से इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टेक्निकल क्वेश्चन टेस्ट होगा, वो 50 क्वेश्चन होगा बेस्ड ऑन डिप्लोमा सिलेबस, मतलब जो डिसिप्लिन है उसका, सिविल होगा सिविल, इलेक्ट्रिकल होगा तो इलेक्ट्रिकल। एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो 25 मार्क्स का होगा, उसमें लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, कंप्रेहेंशन, वोकेबुलरी, डेटा सफिशेंसी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जैसे क्वेश्चन होंगे, राइट। और डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं और ब्रीफ में नहीं जाता। एप्लीकेशन फीस जो है उसको मैंने बता दिया था कि फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल के 400 है, फील्ड सुपरवाइजर की 300 फी है। अब अप्लाई कैसे करना है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, करियर सेक्शन में जाकर जॉब अपॉर्चुनिटी ओपनिंग रीजन जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपको जाना है, वहाँ पे ये निकली है, और कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन में आपको जाना है, और सारी डिटेल जो अपलोड करनी की वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की वेबसाइट, ठीक है। तो इसको भी हम बड़ा करके मैं दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे जाना है कैरियर के ऑप्शन में, कैरियर में आपको जाना है जॉब अपॉर्चुनिटी और ओपनिंग्स में जाना है, ठीक है। जैसे आप जॉब ओपनिंग्स में आएंगे तो यहाँ पे अलग अलग ओपनिंग आपको देखने को मिल जाएगी, बट आपको जाना है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, राइट। नॉर्थ ईस्ट रीजन रिक्वायरमेंट, यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये नीचे की तरफ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन जो है यहाँ पे दिखेगी, एंगेजमेंट ऑफ फील्ड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल फील्ड सुपरवाइजर, ये आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से डिटेल एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्लिक हियर टू अप्लाई, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें बताई गई है, क्या कि फोटो सिग्नेचर डेट सर्टिफिकेट फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो सारी आपको दिखाई देगी। फिर यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपका मतलब, ठीक है, यहाँ पे आपको चूज़ करना है सिलेक्ट आपका फील्ड इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें आपको इस तरह से चूज़ करना है। बाकी आपको पर्सनल डिटेल जो भी है वो डिटेल भर के, अपना जो एजुकेशनल डिटेल है वो सारी फिल करके, मेलिंग एड्रेस वगैरह जो भी है, राइट, ये डिटेल फिल करके आप यहाँ पे कंटिन्यू करके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हो, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होना चाहते हो, ठीक है, तो जरूर दोस्तों इसके अप्लाई करिए। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं।